देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर कालाढूंगी से है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद मंगलवार को SDM विजय नाथ शुक्ल, CEO पंकज गैरोला व थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत, LIU इंस्पेक्टर महेंद्र नेगी ने व्यापारियों व व्यापार मंडल की बैठक कर उत्तराखंड में हुई नए गाइडलाइन जारी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत SDM शुक्ल व CEO ने कहा, पूरे नगर की दुकानें रोज की तरह खुलेंगी। हर एक वस्तु की दुकान खुलेगी, इसमें सैलून, बाल कटिंग, नाई की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान सहित शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ ना हो। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के SDM व CEO ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता पाया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दुकान सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लॉकडाउन 4 के लिए व्यापारियों की राय पर भी रोज की तरह दुकानें खुलने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार से नगर में मात्र लगभग 50 दुकानें हैं, इसमें से मात्र 20 दुकानें खुलती हैं। इसको देखते हुए व्यापारियों की राय पर रोज की तरह दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। SDM शुक्ल ने कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में अभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से मुस्तकजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। बार्बर शॉप, स्पा, सलून इनको अलाउ किया गया है। रेस्टोरेंट्स में केवल किचन अलाउ किया गया है और जिसमें केवल होम डिलीवरी होगी, उसके अलावा सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसके संबंध में व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई थी और उनको अवगत कराया। सर कुछ